नाम समता चंदूरकर वाकड़े है, मैं विनर हूँ MIQN Season 3 मिसेस इंडिया की। और जर्नी के बारे में, सो जर्नी मेरी ऐसी रही है कि दैट मैंने मिसेस महाराष्ट्र जीता था 2021 में, और उसके बाद मैं देख रही थी, आई वॉज लुकिंग आउट फॉर सम गुड रेप्यूटेड एंड हाई एंड पेजेंट्स, आई वॉन्टेड टू पार्टिसिपेट इन देम। और लास्ट ईयर मैं MIQN से एसोसिएट हुई थी एक दूसरी वजह से, और वहाँ पे मैंने इनके शो का फॉर्मेट देखा था। सो दे डिड नॉट ओनली फोकस ऑन अ वुमन बीइंग अ सर्टन टाइप एंड अ वुमन वॉकिंग इन अ सर्टन वे, दे फोकस मोर ऑन द ओवरऑल पर्सनैलिटी ऑफ अ वुमन। एंड मैं खुद एक ऑर्गेनाइजेशन चलाती हूँ जहाँ पे मैं दिव्यांगों को एम्पावर या फिजिकली जो हैंडीकैप्ड लोग हैं उनको सक्षम बनाने का काम मेरी ऑर्गेनाइजेशन करती है। और ये जो पैजेंट का जो टैग लाइन था, ब्यूटी ब्रेन एंड पर्पस, ये मेरे साथ रेजोनेट हुआ, एंड दैट इज़ व्हाई आई डिसाइडेड टू गो अहेड विद दिस पैजेंट। 1.5 ईयर बैक मेरी एक सर्जरी हुई थी जिसके वजह से मेरा जो वॉक था वो काफ़ी कॉम्प्रोमाइज्ड था, और आफ्टर आई मीन जब मैंने नॉर्मल वॉक करना स्टार्ट किया था तो 21 में मैंने टाइटल जीता था मिसेस महाराष्ट्र का। उसके बाद मुझे एक रेप्यूटेड पेजेंट करना था, बट आई वॉज नॉट श्योर कि क्या मैं कोप अप कर पाऊँगी विद द ग्रूमिंग सेशंस या उनके जो बहुत ज़्यादा एक्सटेंसिव जो उनके वॉक्स होते हैं, फिटनेस सेशंस होते हैं। आई वॉज नॉट वेरी श्योर अबाउट इट कि इफ़ आई वुड बी एबल टू कोप अप। सो आई वॉज आई जस्ट हैपन टू कॉल द ऑर्गेनाइजर ऑफ द इवेंट मोनिका, एंड शी जस्ट टोल्ड मी दैट यू नीड टू हैव दैट कॉन्फिडेंस इन योर सेल्फ। तो वहाँ से जो है मेरी जर्नी शुरू हुई, मैंने फिटनेस पे फोकस किया, फिटनेस नॉट ओनली टू लुक अ सर्टन वे एंड वॉक अ सर्टन वे, बट फिटनेस इसलिए क्योंकि मैं कोप अप कर पाऊँ जो एक नॉर्मल जो नॉर्मल इंसान वॉक करता है उससे, हील पहन के ज़्यादा टाइम वॉक करना उससे कोप अप कर पाऊँ। उसके बाद मैं एक कम्प्लीटली नॉन डांसर हूँ, मैंने लाइफ में कभी डांस नहीं किया है, सो आई स्टार्टेड टेकिंग डांस लेसन्स। ये टोटल जर्नी में मुझे ये पता था कि दैट I have to have confidence, और अगर confidence रहा तो I might make a impact, and I work on developing my own self confidence, and I think result यहाँ पर है, मैं आप लोगों के सामने बैठी हुई इस क्राउन के साथ। जो शो का फॉर्मेट था ये बाकी पेजेंट्स होते हैं उनसे हटके था, इनका जो टोटल फोकस था एक वुमनहुड पे था, एक वुमन के इंटेलिजेंस पे था और उसके कॉन्फिडेंस पे था। टोटल जो थे इनके 8 राउंड्स थे, जो सबसे जो एक यूनिक राउंड था इनका PI राउंड करके, पर्सनल इंटरव्यू राउंड, जहाँ पे दे गॉट अ चांस टू इंटरेक्ट विद अस एंड नो अस एंड गेज आवर पर्सनैलिटी। अदर देन दैट देयर वाज टैलेंट राउंड था, फिटनेस राउंड था, उसके बाद एक यूनिक राउंड था नेशनल कॉस्ट्यूम राउंड, जो इट वॉज ऑन पार विद द मिस वर्ल्ड नेशनल कॉस्ट्यूम राउंड। बहुत सारी लेडीज़ आई थी अलग अलग स्टेट से, जो अपने अपने थीम्स उन्होंने बहुत ब्यूटिफुली रिप्रेजेंट किए थे। आई माई सेल्फ वॉज द गोल्डन बर्ड और द सोने की चिड़िया, जो उस टाइम का इंडिया दर्शाता है जब इंडिया वॉज अबंडेंट। उसके अलावा देयर वॉज जो नॉर्मल राउंड्स थे जैसे क्वेश्चन आंसर राउंड और इंट्रोडक्शन राउंड। सो टोटल में जो इनका जो टोटल फॉर्मेट था, एक वुमेन का ग्रेस, एक वुमेन का कॉन्फिडेंस और एक वुमेन का इंटेलिजेंस को बाहर लाना, ये था। प्रिपरेशन को ले वही जैसे मैंने आपको बताया था, 1.5 साल पहले मेरी सर्जरी हुई थी जिसके वजह से मुझे चलना नहीं आता था, और वही था दैट मैंने अपने सेल्फ कॉन्फिडेंस पे काम किया था, और मुझे ये मालूम था अगर मैं अपने सेल्फ कॉन्फिडेंस पे काम करूँगी तो मैं आई विल मेक एन इम्पैक्ट, एंड हियर आई एम टुडे। सो क्वेश्चन एंड आंसर राउंड में मुझे ये पूछा गया था कि दैट वाई आर यू डिफरेंट देन द अदर पार्टिसिपेंट्स, तो मैंने ये आंसर किया था कि दैट जितने भी पार्टिसिपेंट्स यहाँ पे आए हैं they are all very beautiful and amazing, but should I stop? Okay, so what makes me different is my courage. I told them that my struggles have taught me the importance of hard work, perseverance and courage,
एंड आई हैव अ ऑर्गेनाइजेशन वेर इन आई वर्क टू एम्पावर द फिजिकली हैंडीकैप एंड दैट्स वाई आई शुड बी हियर. सारे ही जो आए थे बहुत ही अमेजिंग थे, बहुत ही कॉन्फिडेंट थे, दे वर कम्प्लीटली वेल प्रिपेयर्ड. मेरी कॉम्पिटिटर मैं खुद थी बिकॉज आई हैड टू डिफीट माई फियर्स एंड माई जो भी मेरी डाउट्स थी, सेल्फ डाउट, ये मुझे डिफीट. सो मैं अपनी खुद की कॉम्पिटिटर थी वहाँ पे. जब मैंने अपनी पेजेंट्री जर्नी स्टार्ट की थी, व्हाट आई सॉ वाज दैट जब लड़कियां पेजेंट में आती है तो दे ऑलवेज कंपेयर देमसेल्व्स टू द अदर गर्ल्स दैट हैव कम इन. बट आई फील दैट यू शुड फोकस ऑन योरसेल्फ, डेवलप योरसेल्फ एंड नेवर गिव अप ऑन योरसेल्फ. मैं एक एग्जांपल देना चाहूँगी, जो 2019 की जो मिस यूनिवर्स थी, जोजी तंजी करके, शी वॉज फ्रॉम अफ्रीका, शी वॉज अ वुमन हु हैड नो हेयर ऑन हर हेड एंड शी वॉज अ वुमन ऑफ कलर, अफ्रीकन वुमन थी. उसे भी यही क्वेश्चन पूछा गया था कि दैट क्यों आपको क्यों ये करना है. तो उन्होंने बोला था कि दैट मैं यहाँ पर हूँ, मैं अपने आई एम हियर टू रिप्रेजेंट द वुमन ऑफ कलर एंड टू मेक नॉर्मल वुमन विद दोज वुमन हु हैव नो हेयर ऑन द हेड. सो आई हैड, शी वॉज अ ग्रेटेस्ट एग्जाम्पल फॉर मी टू एंटर दिस पेजेंट इंडस्ट्री. कहना चाहूँगी कि मेरी बेटी जो है तो उसे स्पाइनल कॉर्ड जो होता है वो स्पाइनल कॉर्ड का ऑपरेशन हुआ था और डॉक्टर लोगों ने कहा था कि ये चल पाएगी भी नहीं, वी आर नॉट श्योर, बट उस पर स्ट्रगल करके उसने प्रूव किया कि वो ये कर सकती है और एक ग्रेट पार्टिसिपेंट एंड मिसेस वर्ल्ड बन सकती है. सो आई एम वेरी प्राउड ऑफ हर. समता मेरी भांजी है और उसको बचपन से मैंने देखा हुआ है एंड शी हैज़ अ स्पिरिट. बचपन से कुछ करने की ठानी तो वो करती ही है और काफ़ी रिवर्सेस आए लेकिन सारे रिवर्सेस को उसने स्ट्रांगली निगोशिएट किया और फिर बाद में सक्सेस हासिल किया, नॉट ओनली इन दिस कॉन्वर्सेशन बट इन हर बिजनेस एडवेंचर्स ऑल्सो. सो वी आर ऑल प्राउड ऑफ हर. अभी तो फिलहाल मैं इस सक्सेस में हैप्पी हूँ बट मेरा एक विजन है जहाँ पे मैं ऑलरेडी, मेरे पास कुछ दिव्यांग्स है जिनको मैं, हम लोग का पेपर बैग्स और कॉरोगेटेड बॉक्सेस का बिजनेस है जहाँ पे हम ज़्यादातर दिव्यांग्स को ही हम एम्प्लॉय करते हैं. मैं ये जो मेरा प्रोजेक्ट है इसको मैं नेशनल लेवल तक बढ़ाना चाहूँगी. मैं ज़्यादा से ज़्यादा दिव्यांगों से जुड़ना चाहूँगी एंड आई वुड लाइक देम टू बी एम्पावर्ड. गवर्नमेंट के ग्रांट्स लेना या एनजीओ के थ्रू करना, कितने दिन तक आप सक्षम रहोगे, एक साल, दो साल, आई वुड लाइक टू दीज दिव्यांग्स टू हैव द स्पिरिट ऑफ बींग एम्पावर्ड एंड बिलीविंग इन योर ओन पावर दैट यू नो अगर हम खुद मेहनत करें तो हम अपने खुद के पैसे कमा पाए. तो ये मैं उनको सक्षम करने का एक विजन रखना चाहती हूँ. समता इज माई सिस्टर, शी इज बीन थ्रू अ लॉट एंड लॉट ऑफ ऑब्स्टिकल्स, लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स, लॉट ऑफ लाइफ इवेंट्स दैट कुड हैव पुल्ड हर डाउन, बट शी हैज हैड द मोटिवेशन, द करेज टू गो थ्रू एंड टू पुश थ्रू एंड टू अचीव समथिंग बिग. And I hope that this is an inspiring story that inspires other women to come forward and to chart their own journey and not let anybody else put them down. And you can achieve great things when you put your mind to it. Thanks. We are so proud, Samta, that you have won Mrs. India contest and we are really proud of you for winning that crown. So proud of you. Congratulations, Samta. मेरा नाम जैस्मिन है, मैं समता की कज़िन हूँ और पार्टनर है हम लोग EL के. वेरी प्राउड डैट समता मिसेस इंडिया बन गई है एंड दिस विल गिव अ प्लेटफॉर्म कि जहाँ पे हमारे यहाँ पे दिव्यांग्स काम करते हैं उनको हम और अच्छा प्लेटफॉर्म दें उनकी और ग्रोथ और सक्सेस के लिए. थैंक यू सो मच. सो आई नो समता सिंस चाइल्डहुड, वी हैव बीन ऑलमोस्ट लाइक बेस्ट फ्रेंड्स देन कज़िन्स and I am so proud that you have won Mrs. World
एंड यू ट्रूली डिजर्व इट, मिसेज इंडिया. एंड आई थिंक यू विल बी मिसेज वर्ल्ड ऑल्सो, वाई नॉट, एंड यू डिजर्व इट. आई हैव वेरी रेयरली फाउंड समबडी सो कमिटेड, सो डेडिकेटेड टूवर्ड्स अ कॉज. सो कंग्रेचुलेशंस एंड ऑल द बेस्ट फ्रॉम ऑल ऑफ अस. Hi, I'm Akshita. Actually, I'm a very younger sister to Samta. The confidence what she has gained in this years is tremendously proud of feeling to show. And this is very, very congratulations to Samta Tai on this. Samta is a elder sister to us and we all look up to her. The kind of work that she does, her social work, we are very proud of her, and she's made us even more proud by, you know, getting this title. You will go more, you will get, you know, get more titles like this. We are so confident about that. Congratulations to Samta. Hi, I'm so proud of you, Samta. I love you, and keep doing this great work. Thank you so much. Hi guys, I'm Dipali and I'm really proud of Samta. Even I know her since my childhood and she's one of my bestest to bestest friend. Like, we used to share room together and we used to have a parties and all. But I'm really proud of her and she has made us so proud. Congratulations, Samta, once again. And please, for in future also, make us feel proud about you. Create such a platform for everyone. That's the only thing. Congratulations again. Congratulations. Congratulations.